कौशन का अब तक पूरा न होना। वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा के दौरे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुना आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशहा त्रासदी के बाद पूरे कोसी अंचल को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी सुपौल जिले में स्थिति जस की तस है। न तो क्षेत्र में विकास हुआ और न ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला। बाढ़ की विभीषिका में लाखों घर निस्तनाबूत हो गए, हर तरफ त्राहिमाम मची थी। उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, लेकिन लोगों के सपने आज भी अधूरे हैं। भाग गए हाँ, सब जानदार का मर गए क्या की करब क्या अब एलिए हमारा आर के दिन कटना है, गुजर कटना है। वादा करके जाते हैं, कुछ होता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि एक राशन के कार्ड बना दीजिए, वो भी कहते हैं कि नहीं, आप लोग का नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो बताइए, अभी तक हम लोग घर बिना ऐसे हो रहे हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय यात्रा में सुपौल आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ की परेशान जनता अपनी समस्या को मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचाती है, या फिर उनके किस्मत में एक और वादा लिखा है। बिहार में एक चिट्ठी ने भ्रष्टाचार को दूर रखने वाली नीतीश सरकार के साथ पे सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं अब मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने नियमों को ताक पर रखकर पूर्णिया डीएम को 20 कर्मचारियों को तबादले के लिए एक लेटर लिखा है। तबादले की चिट्ठी ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल मध्यस्थ मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने 20 कर्मचारियों के तबादले को लेकर चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी विपक्ष ने सिफारिश चिट्ठी बताया है। कभी भी मंत्री अपने विभाग के सचिव के माध्यम से कोई भी निर्देश या कोई भी पत्र भेजता है, सीधे जिला अधिकारी को निर्देशित करता हुआ भी स्थानांतरण। चिट्ठी के लीक होने के बाद मंत्री ने तर्क दिया है कि पूर्णिया डीएम को लिखे पत्र तबादले के लिए जिन 20 कर्मचारियों का नाम है वो भ्रष्ट हैं। मंत्री अब अपनी साख बचा रहे हैं या सिफारिश का दांव उल्टा पड़ने पर कर्मचारियों को ही फंसा रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार और अब्दुल जलील मस्तान पर सवाल खड़ा कर दिया है। विभाग में जो है काम की अगर जो है कमी देखकर जो उन्होंने किस तरह का लिखा है, ये तो लिखावट देखकर लेटर पैड पर लिखने का क्या उद्देश्य है वो तो देखने पर ही पता चलेगा। मैं तो देखा नहीं हूँ, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जिला समाहर्ता का काम है, क्योंकि उसको जिला चलाना है, वो अपने स्तर से उसको ट्रांसफर और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार उनको है। मंत्री पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने अमौर और बैसा के 20 कर्मचारियों को तबादले के लिए अपने लेटर पैड पर जिला अधिकारी को लेटर लिखा है, जो सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं है। सिवान में आजकल पुलिस वाले खौफ के साए में जी रहे हैं, जिनके भरोसे आम लोगों की जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, आज उन्हीं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सिवान से आई ये तस्वीर किसी बेकार पड़ी इमारत या फिर खंडहर की नहीं है, बल्कि यहीं पर प्रशासन ने ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखवाया है, जिससे लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। लेकिन इमारत की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ ईवीएम कितने महफूज हैं। सुरक्षा के लिहाज से 5 पुलिस वालों को भी यहाँ तैनात किया गया है, लेकिन उन्हें भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला। सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, किसी तरीके से सभी लोग गुजारा कर रहे हैं। ईंटों के पाए पर खड़े इस बेड को देखिए, आपको इसमें सहारे पर खड़ा सिस्टम नजर आएगा, जो पोल खोल रहा है प्रशासन के तमाम दावों की। यहां अक्सर सांप भी निकलते हैं, जिससे डरे रहते हैं पुलिस वाले। रहने रख रखाव कोई चीज का सुधार खाकर हम लोग को जो है सबसे ज्यादा जो है ये अनिग्लेक्ट किया गया है कि न रहने का सुविधा है, बराबर ही सांप बिच्छू जाए तो यहाँ पर जो है निकलना जारी ही है, और रहने के नाम पर जो है एक टूटा फूटा रूम दिया गया है, जो कि आपको दिखा सकते हैं या देख चुके हैं जी। सिवान के स्टेडियम की बदहाली और पुलिस वालों को होने वाली इस असुविधा के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। झारखंड में फर्जी नक्सली सरेंडर कराने का मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल रिपुर वैया ने दिखाया था आपको कि किस तरीके से झारखंड पुलिस मुख्यालय में 17 अक्टूबर को 9 लोगों का आत्मसमर्पण
नक्सली बताकर किया गया था, लेकिन स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आई कि 9 में से 8 आदमी आम आदमी थे, यानी उन पर किसी भी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं था, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। झारखंड में फर्जी नक्सली सरेंडर कराने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर ये खेल झारखंड पुलिस के द्वारा खेला गया और इस पूरे खेल का खुलासा किया जी पुरवैया ने। जी हाँ, हमने आपको दिखाया कि कैसे 17 अक्टूबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में 9 लोगों को नक्सली बताकर सरेंडर कराया गया, लेकिन उन 9 में से 8 आदमी आम आदमी थे और इस बात को खुद झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने अपनी चिट्ठी में माना है। साफ है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में बड़े पैमाने पर नक्सली को सरेंडर कराने के मामले को लेकर के कई तरह के खेल खेले जा रहे थे और इसी का खुलासा जी पुरुगया ने किया। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब राजनीति भी तेज है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर CBI जांच की मांग कर दी है। वहीं हेमंत के इस मांग को सत्ताधारी दल ठुकरा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि अगर जांच में जो भी दोषी पाया गया तो फिर सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। फर्जी नक्सली सरेंडर कराने के मामले में झारखंड में सियासत गर्म है। विपक्ष के आरोपों के सामने सरकार का अपना तर्क है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये खेल झारखंड में पिछले कई सालों से खेला जा रहा है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना बेहद ही जरूरी है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई करे। बिहार की राजधानी पटना में हाल दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से कुछ जुदा मिला। यहाँ ATM में पैसे भी मिले और कतार भी न के बराबर, लेकिन ATM से पैसे तो निकल रहे थे सिर्फ 2000 के नोट में। पटना में हमने दर्जनों ATM का जायजा लिया। सभी में कहानी एक जैसी ही है। सारे ATM में बड़े नोट मौजूद हैं, 2000 के नोट मौजूद हैं, और परेशानी भी लोगों को इसी को लेकर हो रही है कि उसके बाद छुट्टे कौन करवाएगा, क्योंकि 2000 के नोट छुट्टे करवाने में पसीने निकल जा रहे हैं। सोनू कुमार कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग में एंट्री के लिए फॉर्म खरीदने के लिए इनको 400 रुपए की जरूरत है। चेंज की तलाश में कई ATM तलाश किए, लेकिन किसी में भी 500 या छोटे नोट नहीं मिले। ये 2000 का नोट निकल रहा है। आपको चेंज चाहिए? हाँ, मेरे को चेंज चाहिए था। मेरे को अभी एडमिशन कर उधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना था, तो उधर 400 रुपए फी लग रहा है, तो मैं सोचा 500 निकालूंगा, हो जाएगा। दो ATM से ट्राई किया, 500 निकल नहीं रहा है। सोनू कुमार की तरह ही स्मृति की भी परेशानी 2000 का नोट है। पैसे तो हैं, लेकिन चेंज कहाँ से मिले? SBI में मोस्टली 100 जब भी आते हो, ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम 100 का कैश खत्म रहता है, तो 2000 ही रहता है। और जहाँ भी उन्हें छुट्टे पैसे मिल रहे हैं, 100 के नोट मिल रहे हैं, वहाँ पे कतारें दिख रही हैं। बाकी सब जगह पे 2000 के नोट मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों को निकालने में पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसे निकालने में परेशानी हो रही है। बिहार में शराबबंदी लागू है और झारखंड में भी शराबबंदी की मांग बढ़ रही है। जो शराब पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, वो चतरा में खुलेआम बनाकर बेचा जा रहा है और ऐसा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। झारखंड में चतरा से चौंकाने वाली खबर आई है। इस इलाके में सरेआम लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जगह जगह खुलेआम देसी शराब की भट्टी चल रही है, लेकिन पुलिस केवल खानापूर्ति कर रही है। चतरा जिले के इटखोरी थाना इलाके में ये सब हो रहा है। पुलिस की मिलीभगत से ये हम नहीं, खुद शराब के अवैध धंधे से जुड़े लोग कर रहे हैं। ये भट्टी पुलिस की नाक के नीचे चल रही है। इलाका जंगली है, लिहाजा परमेश्वर दांगी खुलेआम शराब बनाकर बेचा रहा है और मौत का कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। इटकोरी थाना में झगड़िया टोले में जंगलों के बीच इंद्रदेव और भोला भुइया की शराब भट्टी चल रही है। बेखौफ अवैध कारोबार चल रहा है। जाम की शक्ल में मौत का धंधा खूब फल फूल रहा है। चतरा के इटकोरी में तीसरी तस्वीर पित्तिज के भोड़ा जंगल से मिली है। यहाँ कैलाश दागी की अवैध भट्टी आराम से चला रहा है। लगता है शराब के जहरीले कारोबार के बारे में जब जिला के SP से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन सवाल ये है कि चतरा में जहर का ये कारोबार कब तक चलेगा और चलता रहेगा। 5-6 साल से देर से किसको लेते हैं? ठीक है, चौकीदार वगैरह से दे देते हैं भैया। पैसा पुलिस के पास किसके माध्यम से जाता है आप तो पूछते हैं? कभी चौकीदार से भेज देते हैं, ड्राइवर से भेज देते हैं, लेकिन आपने से गया नहीं।
जहर बनाने वाले जीप रुपये कैमरे पर साफ बता रहे हैं कि ये काला खेल पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है और इन खुलासों के बाद अवैध कार्रवाइयों के साथ साथ गैर जिम्मेवार पुलिस कर्मियों पर भी क्या कार्रवाई होगी। कटिहार प्रखंड की तीन नहरों से किसानों को जैसे पानी नहीं जीवन मिलता था, लेकिन तीनों नहरें आज सूखी पड़ी हैं। 1987 के बाद कोसी ने मुंह क्या मोड़ा, नहरों के साथ किसानों की जिंदगी भी सूखी सूखी सी है। ये हरियाली नहीं मृग तृष्णा है। जी हाँ, घास पात से भरी कटिहार की तीन प्रमुख नहरों में पानी लबालब भरी रहती थी। किसानों के खेत लहलहाते थे, लेकिन 1987 में कोसी की प्रलयकारी बाढ़ के बाद पानी लौट कर नहीं आया। सूखी धरती, सूखा अंबर, किसका पेट भरे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कागज पर आज भी इन नहरों में पानी है। 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांध निर्माण की आधारशिला रखी, जिसके बाद नई उम्मीद जागी। 38 लाख के खर्च पर 48 नहरों की साफ सफाई भी विभाग द्वारा कराई गई, जिनमें ये नहरें भी शामिल हैं। एक बूंद पानी नहीं, लेकिन कागज कहता है 2012 से लेकर 16 तक पानी ही पानी है इन नहरों में। लेकिन कागज की बात अधिकारी कैसे करे, मुखिया और सरपंच भी 30 वर्षों से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गिनाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। कृषक के हित में सरकार कभी मुनासिब नहीं सोचती, यही वजह है कि आज 30 साल से नहर सूखा पड़ा है और वीरान है। वहाँ लोग कितने जगह तो नहरों को लोग खेत में मिला लिया है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं। पूरे जिले की लगभग यही हालत है। वो नहर का सिंचाई किए हैं, आज तक आज तक पानी नहीं आया, उसमें कभी भी नहीं आया। विभाग दवा करती है, रसी जाता है, पैसा मांग रहा हमसे। वो कुर्सेला डूमर माइनर हसनगंज सेमापुर और कटिहार पूर्णिया सीमा के उत्तर दक्षिण के बीच कोसी की धार से जुड़ी ये सभी नहरें बंद हैं। आंदोलन का आवेग भी इन्हें पानी नहीं ला सका, तो फिर खेत हरे हो कैसे। गढ़वा में प्रशासन की ओर से बेरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से हजारों छात्र पहुंचे। प्रशासन का दावा है कि इस रोजगार मेले के माध्यम से 3,500 लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुना आपने, ये सच्चाई है बेरोजगार मेले की, जहां रोजगार की तलाश में पहुंचे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रोजगार के लिए मेले तो लगाए जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। मेले में पहुंचे कुछ युवाओं का भी यही कहना है कि मेले में केवल इंश्योरेंस कंपनी के लोग ही स्टॉल लगाते हैं। उधर प्रशासन के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि बेरोजगार मेले के आयोजन से काफी खुश हैं और इसे बेरोजगारों के लिए एक अच्छा मौका बता रहे हैं। यहाँ कुछ तो है नहीं है, यहाँ सिर्फ इंश्योरेंस है और तो कोई चीज हो नहीं रहा है, फालतू है, तो कोई फायदा नहीं है। जिनके लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ, अगर वही छात्र इस रोजगार मेले से खुश नहीं, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या ये रोजगार मेला महज एक दिखावा है। लाजवाब कर दिया साहब जी आपने, तो भैया यहाँ इलाज करने वाले को भगवान समझना बेईमानी है। ऐसे इलाज पे तो भगवान ही बचाएगा। सुई लगवानी हो, दवा लेनी हो, ड्रेसिंग करवाना हो, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर मोतिहारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदापुर जाते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडर का काम करते हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। सन्न मार गया ना आपको, लेकिन तर्क देखिए, यहाँ की अव्यवस्था ने साफ कर दिया है कि नर्सिंग की ट्रेनिंग गई तेल लेने। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है ना, तर्क अजीब है, कर्मचारी नहीं है। बहुत कमी है, न कंपाउंडर है, न ड्रेसर है, न जो है स्वीपर है, न जो है कर्मचारी किरानी जिसको कहते हैं उसी के अनुसार नहीं है। यहाँ मेन पावर का बहुत ज्यादा कमी है। हॉस्पिटल में दावा तो किया जाता है 193 तरह के दवा होने का, लेकिन हकीकत में उपलब्ध है मात्र 10 ही दवा। ऐसे में
सवाल खड़ा होता है कि कैसा इलाज हो पाता होगा इस अस्पताल में लोगों का। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। गिरिडीह से एक मां का क्रूर चेहरा सामने आया है। जिले के निमियाघाट थाना इलाके के प्रतापपुर का मामला है। जो घटना घटी उससे पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पति के प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जो कदम उठाया उसने मां की ममता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ही बच्चों की हत्या के आरोपी मां का नाम सरजीन खातून है। सरजीन खातून अपने बेटा और बेटी के साथ शनिवार को लापता हो गई। परिवार के सभी लोग तीनों की तलाश में जुट गए। शनिवार को तीनों का कोई भी पता नहीं चला, लेकिन घर के लोगों ने तलाश जारी रखी और फिर रविवार की सुबह एक कुएं में एक महिला का चप्पल और दुपट्टा देखा गया। और फिर जब पुलिस ने तलाश की तो कुएं से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। इधर इस मामले की जांच में निमियाघाट की पुलिस भी जुटी थी। सोमवार की शाम धनबाद मधुपुर बॉर्डर के नवाडी गांव से पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। ये वही महिला थी जिसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था। सरजीन खातून का कहना है कि पिछले करीब 10 साल से वो अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी। लगातार झगड़ों से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। पुलिस का भी मानना है कि प्रताड़ना दिया ही जाता होगा, वरना कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है। मैं कल गया राशन कार्ड में चावल मिला था, वहाँ पे गया वो लाने के लिए। वहाँ पे अंगूठा लगता, वहाँ पे लेट लगा, जब तक ये अपना बेटा बेटी को किस तरह लेके इधर चला गया पता नहीं। मैं कल से पूरा ढूंढ रहा हूँ। कुछ नहीं सर, मेरा माँ लंगड़ी है, वही माँ का बच्चे को सेवा समाज के लिए बोलता था कि अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं के चले जाओ। पति के साथ झगड़ा हुआ, पति परेशान करता, ये बच्चों को ये मेरा कारण, ये मेरी, ये हमारे धोखा हुआ मेरे पति के कारण। पति और पत्नी के झगड़ों ने दो मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया। एक गुनहगार माँ को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस घटना के बाद माँ और ममता जैसे शब्द को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कभी नक्सलियों के गोली की गूंज और विस्फोट से यह क्षेत्र थर्राता था, लेकिन पुलिस के प्रयास से बदलाव साफ दिख रहा है। अमन और शांति के लिए इस क्षेत्र में रुद्र महायज्ञ कर भक्ति की अविरल धारा बहाई जा रही है। यह इलाका है लातेहार जिले का सिरदांग गांव का। कभी यहां उग्रवादियों की गोली से लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन आज सब कुछ ठीक ठाक है। सरकार और पुलिस के प्रयास से काफी बदलाव हुआ है। इलाके में अमन चैन लौट आई है और अब महारुद्र यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। क्षेत्र की जनता काफी खुश है। गांव में ढहाए गए स्कूल के मकान अब इस बात के गवाह हैं कि उग्रवादियों ने यहां किस कदर कोहराम मचाया था, लेकिन अब शांति के चारों ओर चहल पहल है। परिवेश बदला है यहां पर। पुलिस गेट स्थापित होने के बाद वो बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि ये सब कार्य में सभी लोग का उत्साहित है। यज्ञ के लिए हरिद्वार से पुरोहित को बुलाया गया है। इस काम में पुलिस खुलकर सहयोग कर रही है। यज्ञ का मकसद है क्षेत्र में शांति के साथ साथ आम लोगों की सुख शांति भी। सिमडेगा के हॉकी सेंटर में हॉकी का ककहारा सीखने वाले बच्चों के सेहत के साथ बड़ा खेलवाड़ किया जा रहा है और ये सब सामने आया है जिला खेल पदाधिकारी के सामने। सिमडेगा के हॉकी सेंटर की ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं कि हालात किस कदर बद से बदतर हैं। यहाँ हॉकी का ककहरा सीखने वालों की सेहत के दांव पर है। सेंट मारिया स्कूल में चलने वाले इस सेंटर में गंदगी का अंबार है। खिलाड़ियों को मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता, मिलता है तो बासी खाना। और ये खुलासा जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण सिंह के सामने हुआ। जब प्रवीण सिंह ने जांच की तो हर सच सामने था। इसी को अभी खिलाड़ी लोगों को खिलाया जाएगा। मिड डे मील वाला लगता चावल है, इसमें कुछ चावल है, यही भी है लगता, कल बनाया होगा वही बच गया है। क्या है कितना गंद, देखिए नहीं कोई बीमारी फैलने वाला। चलो ऐसा नहीं हो कि कोई घटना हो जाए, बीमारी फैल जाए तो नहीं खाते हैं बच्चा। बच्चा सर लेकिन उसको तो रखा हुआ है कि घट जाएगा तो मिल जाएगा। ये किचन में इतना खराब स्थिति है,
जाहिर है डाइट बेहतर नहीं होगी तो यहाँ से नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के निकलने की बात करना बेमानी होगी, लिहाजा किसी को नहीं बख्शने का भरोसा दिया जा रहा है। दिन के खाना के साथ सलाद कभी खाया ही नहीं है, दिन के खाना के साथ एक फ्रूट देना है मीनू ने, तो मीनू भी कभी नहीं खाया है, तो हम पूरा जाकर के रिपोर्ट करेंगे, हो सकता है उसका टेंडर रद्द करने की आगे कार्रवाई की जाए। यही है सिस्टम के काम करने के तौर तरीके पर बड़ा सवाल है। अगर बच्चों को सही डाइट ही नहीं मिलेगा तो उनसे बेहतर खेल की उम्मीद कैसे की जाए। झारखंड सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन हजारीबाग सारूगारू कला गांव में यह दावा दम तोड़ता नजर आया। भूख और ठंड के त्रिकोण में इंद्रदेव की मौत हो गई। हजारीबाग के सारूगारू कला गांव का इंद्रदेव मजदूरी करके और ठेला चलाकर अपने घर की जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन इंद्रदेव की मौत से इस घर में मातम पसर गया है। इंद्रदेव की विधवा की फरियाद कौन सुनेगा, कौन देगा जवाब कि अब गीता की जिंदगी इंद्रदेव के बिना कैसे आगे बढ़ेगी। इंद्रदेव की मौत के बाद गांव के लोग गोलबंद होने लगे हैं। जो सिस्टम भूख से मौत की बात से इनकार करता था, वो लोगों के लामबंद होने के बाद विधवा को 50 किलो चावल, 1000 रुपए नगद और 25,000 रुपए पारिवारिक लाभ देने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और विधवा पेंशन देने का भी आश्वासन विधवा को दिया गया है, लेकिन सवाल फिर यही कि क्यों इस सिस्टम ने एक गरीब की मौत के पहले ये सब नहीं सोचा। ऑनलाइन से दिया जा रहा है, ओटीपी से दिया जा रहा है, लेकिन आज खाद्यान्न लोग उठा रहे हैं, किसी भी तरह से किसी को भी खाद्यान्न के अभाव में ना कोई डेथ हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे अनाज के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे। बात क्या बताया, मैं सोसाइटी के साथ रहने के लिए थी, तो मेरे में सदर उधर कुछ वरना भी खाने में 2 दिन से खाना 3 दिन से यही तो तुम्हारी उपास था। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का दावा करना जुबानी जमा खर्च हो सकता है, लेकिन इंद्रदेव की मौत बयां कर रही है कि सिस्टम लाचार है, खस्ता हाल है। रवि किशन नाम ही काफी है, इन्होंने न सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में एक मिसाल कायम की बल्कि बॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, फिल्मी बातें करते हैं रवि के साथ। रवि, अब काफी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड हो, आपने कई और भाषाओं में भी काम किया है, नया जानना चाहेंगे आपसे, ताजा तरीन बातें जानना चाहेंगे आपसे। रवि अभी क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअल तमिल कर रहा हूँ, तेलुगु कर रहा हूँ, कन्नड़ा फिल्म कर रहा हूँ, गुजराती भोजपुरी एक बायलैंग्वल की है, तो 400 फिल्मों में आपने प्यार दिया मुझे, फिर आप लोग भाभी जी घर पे भी देखते हो मुझे, बिग बॉस में भी हमारे नाम को हमेशा गुंजाया जाता है, सो ये सिर्फ मुझे लगता है प्यार है और एक जो मेरा देसी खनक है, वो जो देसी खांटीपन है वो मुझे फ्रेश रखता है, विचार बड़े पॉजिटिव रखता हूँ मैं, सोचता हूँ कि हमेशा आप कुछ न कुछ नया कर सकते हैं, एवरी टाइम यू फील कि यू कैन डू इट, और आप कभी बोर नहीं करोगे। एगो निम्बुआ है दू चार गो मिर्ची लटका लह चोटी में, नजर न के करो लग जाए इनकरा पे, कहीं हुस्न के कोठी में, नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो निम्बुआ भैया काहे की जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा हारा हारा महादेव। थैंक यू सो मच रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और आपकी जो विचार है उन्हें सुनकर समझ कर, तो जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा ये डायलॉग तो है रवि किशन के, लेकिन एक एटीट्यूड भी है बिहारियों का,